नमस्ते, मैं हूँ तत्परा अहोरात्रा। भोग नंदीश्वरा कर्नाटक राज्य का सबसे पुरातन देवालयों में से एक है। ये बेंगलुरु से 60 किलोमीटर की दूरी पर है और नंदी हिल्स के पास पड़ता है। 9वीं सदी का ये देवालय 5 साम्राज्यों के विरासतों को संरक्षित करता है। इस देवालय का प्रथम पहलू बनाया गया था नोलंबा साम्राज्य के नोलंबादी राजा और राष्ट्रकूटा के सम्राट तीसरे गोविंदा द्वारा। इसके पश्चात ये देवालय गंगा, चोला, होयसला, पल्लवा और विजयनगर साम्राज्यों के संरक्षण में था। ये देवालय पहाड़ों से घेरा हुआ है, जहाँ से 5 नदियाँ बहकर आती है, और वे हैं पालार, पिनाकिनी, अर्कावती, पापग्नी और स्वर्णमुखी। ये देवालय 1000 साल से भी पहले का है, जिसमें 5 साम्राज्यों के वास्तुकला हमें देखने मिलते हैं। इस देवस्थान में 3 देवालय मौजूद है। पहला है अरुणाचलेश्वरा, जो भगवान शिव के बचपन का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर हमें उग्र गणपति देखने मिलता है, जो गंगा साम्राज्य द्वारा बनाया गया था। इस देवालय के सामने एक नंदी मौजूद है, जो ग्रेनाइट से बनाया गया है। दूसरा है भोग नंदीश्वर देवालय, जो महादेव के यौवन को प्रतिनिधित्व करती है। गर्भगृह में एक अति सुंदर नंदी मौजूद है। कहा जाता है कि यह चोला साम्राज्य द्वारा बनाया गया है। तीसरा है उमा महेश्वर देवालय, जो भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाहित जीवन को दर्शाता है। यहाँ पर ज्यादातर नव विवाहित जोड़े आशीर्वाद लेने आते हैं। कल्याण मंटप 4 स्तंभ से घेरे हुए हैं, जिन पर दैवीय दंपतियों को बनाया गया है, जो है भगवान शिव और देवी पार्वती, ब्रह्मदेव और देवी सरस्वती, श्री विष्णु और देवी लक्ष्मी और अग्निदेव और स्वाहा देवी। इन स्तंभों पर आपको बेहद सुंदर शिल्पकार्य दिखाई देंगे, जो होयसले साम्राज्य के शिल्पियों द्वारा बनाए गए हैं। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने 2 अतिरिक्त निर्माण किए हैं, जो है कल्याण मंटप और तुलाभारा मंटप। ये है श्रृंगेरी तीर्था, जो चारों ओर से नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियों से घेरी हुई है। हमारे पूर्वजों के अनुसार ये हमारे श्रेष्ठ नंदी द्वारा बनाया गया था। उन्होंने अपना सिंह जमीन में गाड़कर गंगा नदी से पानी निकाला। यहाँ से उत्तर पिनाकिनी नदी आता है। नंदी हिल्स के ऊपर हमें योग नंदीश्वर देवालय देखने मिलता है, जो महादेव के त्याग चरण को दर्शाता है। धन्यवाद। तत्परा अहोरात्रा।